बैक वंस अगेन इन स्टडी बैटल। सो आज के इस वीडियो में हम ONGC की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी की गई है, उसके बारे में बात करेंगे कि कितनी पोस्ट हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो मेन मेन पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए केवल हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट ट्रेनिंग, ठीक है, इन इंजीनियरिंग एज वेल एज द जियो साइंसेस डिसप्लिनस एट इवन लेवल, ठीक है। तो इवन लेवल जो एग्जीक्यूटिव लेवल है वहाँ पे ये ग्रेजुएट ट्रेनी की पोस्ट आई है और ये थ्रू गेट 2022 है। मतलब जिन लोगों ने गेट 2022 का एग्ज़ाम दिया है केवल वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पहले से ही मैंशन है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि केवल हम जियोलॉजी और जियो फिजिक्स जो पोस्ट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अगर आप किसी और पोस्ट के लिए एलिजिब हैं देन ऑब्वियसली यू कैन फिल द फॉर्म और गो फॉर द फॉर्म फिलिंग। तो ये आपका जियोलॉजी की पोस्ट के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या आपका क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है इन जियोलॉजी, ठीक है, विथ 60% मार्क्स, MSc और MTech इन पेट्रोलियम जियो साइंसेस, पेट्रोलियम जियो साइंस विथ 60% मार्क्स, मतलब मिनिमम आपके इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए। MSc या MTech इन पेट्रोलियम जियोलॉजी विद मिनिमम 60% मार्क्स, MTech इन जियोलॉजी जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 60% मार्क्स, ये आपके यहाँ पास होने चाहिए, दही देन आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। गेट चूँकि यहाँ पे कंपलसरी है तो गेट 2022 में जो उसका कोड है GG, ठीक है, तो उसमें जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स का है। तो A1 और सेक्शन A ऑफ जो गेट का पेपर है वो आपके पास होना चाहिए। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो लगभग 55 पोस्ट यहाँ पे हैं और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप ऊपर से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आप ये दिया हुआ है देखिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है अनरिजर्व OBC SC ST, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी पोस्ट हैं। अगर हम बात करें जियो फिजिक्स की तो जियो फिजिक्स में दो है पोस्ट हैं, एक आपका जियो फिजिक्स सर्फेस है एंड सेकेंडली इज़ जियो फिजिसिस्ट वेल्स, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पे आपके पास फिर होनी चाहिए अगर आपने जियो फिजिक्स का दिया हुआ है, जियो फिजिसिस्ट विद 60% मार्क्स, टेक्नोलॉजी में आपका, ठीक है, MTech होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद फिजिक्स विद द इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। तो अगर आपने फिजिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है विद इलेक्ट्रॉनिक्स तो भी आप यहाँ पर यह फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास पेट्रोलियम जियोलॉजी जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स का पार्ट ए एंड सेक्शन 2 ऑफ पार्ट बी, ये आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना रहा होगा जब आप गेट का पेपर दिए होंगे। टोटल पोस्ट जो यहाँ पे हैं वो आप देख सकते हैं, ये 54 पोस्ट हैं, ये आप देख सकते हैं ऊपर से कि कौन कौन कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट हैं। अगर हम जियो फिजिसिस्ट वेल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी सेम आपका क्राइटेरिया है। आप में से कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले पूछा था कि MTech इन पेट्रोलियम जियोलॉजी करने के जो जॉब के चांसेस हैं वो कहाँ पे हैं, तो सबसे बेस्ट जो चांस है वो आपका इसी ONGC में है, ठीक है, क्योंकि उनको पेट्रोलियम जियोलॉजी में जिसने स्पेसिफिकेशन किया हो वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है, उसको वरीयता भी दी जाती है। वरीयता इन द सेंस है चूँकि उसने डायरेक्टली या बिल्कुल उसी कोर्स को किया हुआ है जो उसकी जॉब में यूज़ करने वाला है, उसकी जॉब में यूज़फुल रहने वाला है, ठीक है। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन लोग, मतलब और अगर किसी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, यहाँ पे जो स्टार का मीनिंग दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें एज लिमिट है, एज लिमिट आप देख सकते हैं यहाँ पे दी गई है, अनरिजर्व की 30 है, OBC 33 है, SC ST 35 है, PWBD जो है वो, तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन जो है 35 है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका गेट 2022 का जो स्कोर है, द डिज़ायरस एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स हैविंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, मतलब जिनके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, क्वालिफिकेशन है गेट 2022 की, तो वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप जो के रेशियो में कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यूज़, ठीक है। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें हम देख लेते हैं क्या है सिलेक्शन प्रोसेस। जो वेटेज ऑफ मार्क्स इन गेट 2022, गेट में आपने जितने मार्क्स स्कोर किए हैं उसका 60% काउंट होगा, मतलब 60 मार्क्स काउंट होगा। क्वालिफिकेशंस, मतलब आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट लिया हुआ है उसका 25 मार्क्स का ऐड होगा।
ठीक है, मतलब 20 मार्क्स जो है वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड 5 मार्क्स फॉर द लाइन पीएचडी। ठीक है, इंटरव्यू का यहाँ पे 15 मार्क्स ऐड होगा, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर आपका हो जाएगा, मतलब 100 मार्क्स का सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पे जो हम देख लेते हैं, 300 रुपीज़ फीस है यहाँ पे SC ST PWBD कैंडिडेट्स को, कोई भी फीस सबमिट नहीं करनी है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम डेट, सॉरी जो फॉर्म फिल करने की डेट है उसको हम देख लेते हैं, तो 22nd of September आपकी स्टार्ट है, मतलब कल से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, और 12th of October तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, तो ये आप डेट्स का ध्यान रखिएगा। जो मेन मेन चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी अगर फर्दर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको इस PDF जो नोटिफिकेशन है, इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। ओके, थैंक यू।